ओह नमस्कार बंधु, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कागज पर टूट के पर। बंधु, यदि किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच में मनमुटाव, लड़ाई झगड़ा करवाना चाहते हैं आप, तो ये उपाय आपको करना है। कैसे करना है ये तो हम बताएंगे, मगर उससे पहले ये भी आपको बताना चाहते हैं कि आप ऐसा क्यों करें। यानी कि यदि वो दो व्यक्ति आपको मिलकर परेशान कर रहे हैं, या फिर आपका बसा बसाया घर उनकी वजह से उजड़ गया है। कहने का मतलब ये हुआ कि हो सकता है उन दोनों में से कोई एक व्यक्ति आपका पति है या आपकी पत्नी है, और दूसरे व्यक्ति के आने की वजह से संबंध खराब हो गया या समाप्ति की तरफ जा रहा है। आप यही चाहते हैं कि आपका घर वापस बस जाए, या कोई अन्य रिश्ता भी आप बचाना चाहते हैं, तो भी ये उपाय कर सकते हैं ताकि उन दोनों के बीच में मनमुटाव हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो, तो आपको जो भी आपको पीड़ा हुई है, जो भी आपको सहना पड़ा है, वो समाप्त हो सके। क्योंकि ऐसे केस में अधिकतर ये देखा गया है, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाते हैं। इसके लिए ही हम आपको बता रहे हैं, आपको दो कागज की जरूरत पड़ेगी। ये उपाय आप किसी भी दिन शुरू कर सकते हैं और किसी भी समय कर सकते हैं। जैसे कि हमने बताया, दो कागजों की जरूरत पड़ेगी। आगे भी हम आपको बताते हैं क्या करना है, मगर उससे पहले जल्दी से आपको बता देते हैं, क्योंकि कई लोग हमसे हमारा फोन नंबर मांगते हैं, देखिए हमसे जुड़ना चाहते हैं। तो ये करना है आपको, टेलीग्राम एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड करें अपने फोन पर। इसको जैसे ही डाउनलोड करेंगे, इसमें सर्च करें कागज पर टोटके, ये ग्रुप है हमारा। इसको जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे, आपको हमारा कुछ ही घंटों में मैसेज आ जाएगा। इसमें प्राइवेसी का पूरा ध्यान दिया जाता है, किसी को आपका नंबर नहीं दिखाई देगा। अब आगे बताते हैं, देखिए जैसा कि हमने बताया कि दो कागज की जरूरत पड़ेगी। पहले कागज पर आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ जो आप चाहते हैं कि इन दोनों व्यक्तियों के बीच में दूरियां आ जाएं, ये दोनों एक दूसरे से बात ना करें, एक दूसरे से मिले नहीं, एक दूसरे से दूर रहें, फलाना व्यक्ति चाहे तो शहर छोड़ के चला जाए, मतलब जो जो आप चाहते हैं वो एक कागज पर लिख लेंगे। उन दोनों का नाम बीच में लिखना हो तो नाम भी लिखें। फिर क्या करना है, दूसरे कागज को लेना है। दूसरे कागज पर दोनों को बारी बारी सोचते हुए उनकी तस्वीर बनानी है। दोनों की तस्वीर बनानी है, पूरा दिमाग लगाकर, जल्दबाजी में तस्वीर ना बनाए। बहुत ही प्रभावशाली उपाय है, अधिकतर लोगों को इसमें लाभ मिलता है। ग्रह नक्षत्र सटीक बैठते ही ये बहुत ही जल्दी लाभ देता है। यदि ग्रह नक्षत्र के अनुसार ही उपाय करना चाहते हैं, तो टेलीग्राम पर जो ग्रुप है हमारा, उसको ज्वाइन करें। और यदि वो पुरुष है तो पुरुष की तस्वीर बनाए, यदि स्त्री है तो स्त्री की तस्वीर बनाए। बीच में लगाना है कांटा, और फिर आपको करना है, यहाँ पर लिखना है 77 99 4 82, ये लिखना है। अब ये जो कागज है, इसको आप जला देंगे। चाहें तो आप इसको छोटे से कागज पे भी बना सकते हैं, इसको आप जला देंगे। और जब आप इसको जला रहे होंगे, तो जो आपने पहला कागज था, जो जिस पर आपने लिखा था कि आप क्या क्या चाहते हैं, इसको जलाते हुए जब ये जल रहा होगा, तो आपको उसको पढ़ना है, जो भी आपने लिखा था उसको साथ साथ पढ़ना है, जब तक पूरी राख नहीं बन जाती। अगर कागज की आग बुझ जाती है तो दोबारा जला लीजिए, कोई बात नहीं। जब तक पूरा कागज नहीं जल जाता, उसकी राख नहीं बन जाती आप, तब तक उसको पढ़ते रहें। फिर आपको क्या करना है, जो राख बनेगी उसको घर से बाहर निकाल देना है, झाड़ू लगाकर या कूड़े में फेंक सकते हैं। अगला दिन आएगा, दोबारे से अगले दिन सिर्फ ये ही कागज बनाना है, यानी कि दोबारे से आपको दोनों की तस्वीर बनानी है और ये यंत्र बनाना है, फिर जलाना है। तो और उस वाले कागज को, जो पहला कागज था, उसको पढ़ना है। तो ऐसा लगातार आपको 11 दिनों तक करना होगा। 11 दिनों तक आप रोज जलाएंगे, और जो पहले दिन आपने लिखा था उसको रोज पढ़ना है 11 दिनों तक। उसके बाद जब 12वां दिन आएगा, तो 12वें दिन उस वाले कागज को, जिसको आप रोज पढ़ रहे थे, उसको घर से बाहर जाकर जलाना है। इस वाले कागज को तो आपको घर के अंदर ही जलाना है, झाड़ू से बाहर निकाल देनी है राख को, और जिस पर लिखा था, 12वें दिन जाकर आपको वो बाहर जाकर जला देना है, 12वें दिन। फिर आप देखेंगे, यदि आपने ये प्रक्रिया करी, ये उपाय करा, आपके नक्षत्र बैठ गए सटीक, तो निश्चित तौर पे बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा, और जो भी आप चाहते हैं, जो जो आपने लिखा था, वैसा होना अनुभव शुरू हो जाएगा। तो बंधुओं, ये उपाय करके देखें, सरल उपाय है, पूरा ध्यान लगाकर ही उपाय करना है, श्रद्धा के साथ उपाय करना है। और यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो टेलीग्राम पर हमारा ग्रुप ज्वाइन करें, यूट्यूब पर एक और चैनल है हमारा कागज पर ज्योतिष, उसको भी सब्सक्राइब करें। यहाँ तक वीडियो देखा आपने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।